और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे हर बार की तरह। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोई भी स्टॉक पे इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो कंपनी का बिज़नेस कैसा है, वो क्या करती है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर में हमें कितना रिटर्न देंगे और पास्ट में कितना उनका रिटर्न था। तो सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड अभी फ़िलहाल ज़बरदस्त इसमें गिरावट आई है, वर्तमान जो इसका स्टॉक प्राइस 70 रुपये के आसपास है। तो हम जानेंगे कि क्या रीज़न हो सकता है। बहुत ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है कि इसमें किसी मैनेजमेंट को लेके इशू हो या फिर कोई ऐसा घोटाला हो, स्कैम हो, ऐसी कोई इसमें न्यूज़ नहीं है। हाँ, क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स उतने शानदार नहीं रहे जिस प्रकार से उसके पिछले रिटर्न वो रिजल्ट्स थे, और हम देखेंगे। माइक्रो कैप कंपनियां हैं, कोई भी सेंसेक्स पे इंडेक्स पे गिरावट आती है तो ऑफकोर्स इन पर दबाव बनता है और ये सबसे पहले टूटते ही इनका प्राइस कम हो जाता है। और अभी इसने फेस वैल्यू जिसकी 10 की थी वो 1 पे आ गई है, तो इसके 10 टुकड़े भी हो चुके थे, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो बात करते हैं, पहले हम शुरुआत करते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और ये करती क्या है। ट्रेडिंग की कंपनी है, जैसा कि इसका नाम है सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो ये अपना माल इंडिया में ट्रेड के साथ साथ कई कंट्रीज़ में व्यापार करती, एक्सपोर्ट करती है। क्या क्या करती है, जैसे कि शुगर हो गया और शुगर के जो प्रकार हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑयल एंड ऑयल सीड्स, तेल और उनके बीज और ग्रेन्स, गेहूं, बाजरा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। दालें की जितनी भी प्रकार हैं, और राजमा, बीन्स, मसालों में कितने प्रकार हैं इनके पास। तो खाने पीने के जो प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल फीड्स, जानवरों के लिए जो उनका भोजन होता है वो सप्लाई करती, एक्सपोर्ट करती है, कॉटन। तो जिस प्रकार के इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी कभी डिमांड कम होने वाली। भाई, जिनका इनका जहां व्यापार चल रहा है, जहां इनकी डिमांड बनी हुई है, कम ज़्यादा हो सकता है कभी कभी सीजनल वाइज या किसी और भी रीज़न से, जैसे कि अभी किस कुछ कंट्रीज़ में एक दूसरे पे एक बातचीत का दौर चल रहा है, जैसे अमेरिका ईरान में वॉर ट्रेड आप कह सकते हैं, तो व्यापारिक रिश्ते थोड़े से अच्छे नहीं रहते, इस वजह से इन कंपनियों पे ज़रूर प्रभाव पड़ता है। तो लेकिन कुछ समय के लिए ही हो सकता है कि इन पे कुछ प्रभाव पड़े। तो चलिए, प्रोडक्ट्स हमने देख लिए, अच्छी कंपनी है, एक माइक्रो कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस अच्छा है। हम देखते हैं कुछ और बेसिक चीज़ें। 17 जो प्रीवियस क्लोज आज है 29 जून 2019, और आज मार्केट बंद है, आज शनिवार है। प्रीवियस क्लोज था कल का 70 रुपये 40 पैसे, और यहाँ पे देखिए मार्केट कैपिटल इसका जो अभी पे फ़िलहाल है 364 करोड़ की कंपनी है। फेस वैल्यू 1 की रह गई है, लिस्ट हुई थी 8 मार्च 2006 को। पी रेशियो इसका हम आगे देख लेंगे। अर्निंग पर शेयर 3.27, प्राइस टू बुक 1.19, डिलीवरी इसमें 57% के आसपास है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। सकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड, अगर हम इस चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट हुआ था, अदरवाइज़ इसका जो अभी प्रीमियम है 10 गुना होता, 170 रुपये के आसपास होता इस गिरावट के बावजूद भी। तो फेस वैल्यू मतलब कि किसी शेयर के 10 टुकड़े हो जाना, तो 10 से 1 पे आ गए थे तो उसके 10 टुकड़े हो गए थे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से अर्निंग पर शेयर, उसी प्रकार से उसके सारी चीज़ें 10 टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, जिस प्रकार से शेयर होती है, उसकी बुक वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से हाई बनाया था 42 का, और हाई से आज अपने कितने लो पे है। निसंदेह लोगों ने यहाँ पे 100% बाइंग की कॉल दी हुई है, और पी रेशियो देखिए 10.33 की, जबकि इंडस्ट्री की पी है 32 की। हाँ, बैलेंस शीट पे अगर हम कर्ज़ा देखते हैं इन पे, टोटल डेट तो 25 करोड़ के आसपास है, जो कि ठीक है क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट आता है, उससे इंटरेस्ट आराम से पे कर सकते हैं। और अगर हम जून 18 से, सितंबर 18, दिसंबर 18 और मार्च 19 में
देखें लगातार नेट सेल्स में, तो जहां जून 18 में थी 543, वहीं सितंबर 18 में हुई 522 करोड़ की, वहीं दिसंबर 18 में हो गई 553 की, जो कि अच्छा था, सबसे हाईएस्ट। लेकिन मार्च 19 में क्वार्टर में 4 के रिजल्ट्स में 419 करोड़ की नेट सेल्स रह गई, जो कि डाउनसाइड है कंपेयर टू दिसंबर 18 से। वहीं सीधे हम स्किप करते हुए अगर नेट प्रॉफिट में जाते हैं, तो जून 18 में जहां थी 7 करोड़ के आसपास की, वहीं सितंबर 18 में हो गई 11 करोड़ के आसपास, वहीं दिसंबर 18 में 11 करोड़ के आसपास थी, और लेकिन मार्च 19 में सीधे हो गई घट के 6 करोड़ 35 लाख, यानी कि काफ़ी डाउनसाइड है नेट प्रॉफिट में। सब कुछ लेने देने के बाद जो कुछ ही बचता है इसमें काफ़ी इनको डाउनसाइड है। तो इस वजह से क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए, एक माइक्रो कैप कंपनी होते हुए भी और बिजनेस में भी इनको कुछ ऐसा डाउनसाइड दिखा। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं, बात करते हैं कि छोटी कंपनी एक एवरेज क्वालिटी कंपनी रह गई है, जिस प्रकार से इनका मैनेजमेंट रिस्क है, जिस प्रकार से इनकी ग्रोथ है, जिस प्रकार से इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है। सेल्स ग्रोथ अभी भी देखिए एक शानदार लग रही है, 22.50% के आसपास है एवरेज हम देखते हैं। EBIT ग्रोथ भी देखिए 33.19% की है, और नेट डेट टू इक्विटी यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। एनीवेज प्ले शेयर्स हैं 14%, ये थोड़े से एक पे इन्होंने गिरवी कर दिए हैं, और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31.78% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.59%, मतलब ये दोनों भी अच्छे अट्रैक्टिव हैं। तो इस लिहाज से हमें इस कंपनी पे अभी भरोसा, जो लोग एग्जिस्टिंग हैं जिन्होंने बाइंग की हुई है ऊपर के लेवल पे, वो भी बने रहें। अभी कितना वोलाटाइल आप देख रहे हो, किसी दिन 10% तक अपसाइड चला जाता है, तो इसमें ज़बरदस्त ट्रेडिंग हो रही है, इसमें ज़बरदस्त लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स घुस जा रहे हैं, खरीद बाई कर रहे हैं, इस वजह से भी थोड़ा सा वोलाटाइल है, और थोड़ा सा मार्केट भी अभी स्टेबल तो हुआ है लेकिन बियरिश है, मतलब लगातार। जैसे पहले क्या होता था इलेक्शन के पहले कि कभी 500 पॉइंट, कभी वीक भर लगातार अपसाइड ही जा रही, अपसाइड ही जा रही, फिर एक वीक जो है डाउनसाइड ही जा रही, डाउनसाइड, तो अभी वो नहीं रहा। तो इस तरीके से हम इसके रिटर्न्स भी देख लेते हैं, क्या बचे हुए हैं फिलहाल वर्तमान समय में 10 सालों के रिटर्न। 10 सालों में अगर हम देखते हैं तो अभी भी हमें 1591 यानी कि 1600% के आसपास के रिटर्न है, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए थे तो आपके 16 लाख, मतलब 16,91,000 बन गए होते 10 सालों में। 5 सालों में भी 550% के आसपास के रिटर्न, जो कि ज़बरदस्त हैं। 4 सालों में 466% के आसपास के रिटर्न, जो कि अभी बहुत बेहतरीन है। 3 सालों में 150% के आसपास के रिटर्न है, 2 सालों में 134% के, और 1 साल में 12% से ज़्यादा के रिटर्न है। लेकिन ईयर टिल डेट 6 मंथ में, 3 मंथ्स में, 1 मंथ में करीब करीब 50% के आसपास पहुंचने वाला है, ऐसी गिरावट आ गई है इसमें। 1 वीक में थोड़ा संभला था, 3.58% की यहाँ पे रिटर्न है पॉजिटिव, लेकिन अगेन 1 डे में 0.57% की कल जो है डाउनसाइड थी। तो रिटर्न बहुत ही शानदार रहे हैं, एक माइक्रो कैप कंपनी ने इतना कुछ बना दिया, आपके पैसे कई गुना कर दिया है। तो आने वाले समय में भी इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर नहीं है, छोटी कंपनियों पे ज़रूर दबाव बन जाता है, वो टूट सी जाती हैं, लेकिन जो लोग नई बाइंग करना चाहते हैं, जो लोग हर गिरावट पे ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए अभी बहुत अच्छा अवसर है। और भी हो सकता है कि साल का लो जो इसने बनाया था 14 रुपये के आसपास, वहाँ तक भी लोग ले जाएं, इतनी बिकवाली हो जाए, तो भी आपको ख़रीदने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन इस समय भी थोड़ा थोड़ा करके लेते जाएं। अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो आप 15 रुपये इसमें लगा सकते हैं, इस प्रकार से और गिरावट आए तो और लगा सकते हैं। एक स्ट्रेटजी के तहत, एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप करें, कंपनी भरोसा रखें, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, बहुत अच्छा इनका व्यापार है फिलहाल इस तरीके से। और वही एक कभी थोड़ी सी है कि इन्होंने शेयर्स अपने गिरवी किए हुए हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर चलते हैं तो 57.97 की प्रमोटर्स के पास है, और ये देखिए 14% के आसपास यहाँ पर गिरवी हैं, तो हो सकता है इन्होंने व्यवसाय के लिए पैसे वैसे गिरवी रख के उठाए हों। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं इसमें 8, जो कि थोड़ी सी होल्डिंग है, और इंडिविजुअल्स हैं इसमें 19.9% के आसपास हैं। तो मेरे विचार से अभी ये डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से 2018 पे किया था सितंबर में। तो आने वाले समय में देखते हैं कि अभी इनके जो जून के बाद जो Q1 के जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी देखने पड़ेंगे जून के, जुलाई में, तो अब कब इनके रिजल्ट्स आते हैं वो देखना पड़ेगा, और कितना डिविडेंड ये आने वाले समय में पे करेंगे वो भी देखना पड़ेगा। और अपनी इंडस्ट्री में 25th नंबर पे ट्रेडिंग से रिलेटेड कंपनी प्राइवेट हाउस है। तो एक कंपनी तो बढ़िया है, छोटी कंपनी है, जो लोग थोड़ा सा रिस्क, जिनके रिवॉर्ड वाला चक्कर है कि जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, हो सकता है लेने के बाद थोड़ी सी और डाउन साइड चले जाए, तो घबराए नहीं, क्योंकि अगर आपका
पॉइंट ऑफ व्यू एक लंबे समय का है, अगर लंबे समय के निवेशक हैं तो ज़रूर इसमें बने रहें, थोड़ी सी भी गिरावट आए तो घबराएं नहीं, घबराहट में बेचे नहीं, बने रहिए, भरोसा करें, है ना। अगर लगातार इस पर बहुत कुछ बड़ी प्रॉब्लम आती है या भविष्य में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है या फिर बहुत पूरे इन्होंने कम से कम 80% शेयर अपने गिरवी रख दिए, तो फिर उस समय की दूसरी कॉल होगी। तो एक दो कमियां हैं वो हम इग्नोर कर सकते हैं इस समय, वर्तमान समय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।